पर्यावरण को बचाए रखने के लिए सिंगल यूज पॉलिथिन को रोका जा रहा है, उसके प्रतिबंध के लिए काम किया जा रहा है। इसी क्रम में शासन द्वारा एक नया आदेश लागू किया गया है, जिसके तहत यदि कोई सिंगल टाइम यूज प्लास्टिक पॉलिथिन का उत्पाद करता है उसे 5 लाख और जो परिवहन करता है उसे 2 लाख, जो पॉलिथिन बेचता है उसे 1 लाख का जुर्माना देना होगा। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्तिगत रूप से पॉलिथिन का इस्तेमाल करता दिखाई देता है उसका 100 रुपए का चालान किया जाएगा। इस बारे में नगर निगम आयुक्त विवेक राय ने बताया कि पॉलिथिन का प्रतिबंध लगाने को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए नगर निगम काशीपुर ने कई कदम उठाए हैं। इसी क्रम में जगह जगह दीवार पर पोस्टर बनवाए गए हैं। देखें सुरागीला न्यूज चैनल की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल से। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में पन्नी पर रोक लगने की बात चल रही है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रदूषण ये पन्नियों से होता है, प्लास्टिक से होता है, उतना किसी भी चीज से नहीं होता है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे उसमें लोगों की राय कि उनका क्या कहना है। तो आइए जानते हैं। नमस्कार सर, आप कितने समय से ठेला लगा रहे हैं? तो आप जैसे फल बेचते हैं तो इनको किन पन्नियों में देते हैं? हम इस वाले पॉलिथीन में देते हैं, ये प्लास्टिक की है ना, इसमें देते हैं, क्योंकि कपड़े की जो थैली है वो जो आती है पॉलिथीन कपड़े वाली जो होती है वो हमें काम नहीं करती, वो फट जाती है एकदम से, इसलिए उसमें हमारा नुकसान होता है, माल गिर जाता है, उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम इसमें देते हैं। अच्छा, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे पन्नियों के बारे में? कह सकते हैं कि यही मजबूत है और अच्छी है, हमारे इसमें बहुत फायदा है और सहूलत है, इसमें ग्राहक कस्टमर को माल नहीं दिखाता, नुकसान नहीं होता है, इसलिए हम यही यूज करना चाहते हैं। जैसे कि पन्नियों पे रोकथाम लग रही है तो उसके बारे में आप क्या कहना है, क्योंकि अब जुर्माना भी लगने लग रहा है उस पर, तो उस पर क्या कहेंगे आप? पन्नियों के बारे में रोकथाम के लिए हम इतना ही कहेंगे कि जिस चीज़ में इंसान को सहूलत है वही चीज़ यूज करनी चाहिए, हमें ज़्यादातर इसमें सहूलियत है तो हम यही यूज करेंगे। रोकथाम का तो देखो चलता रहता है ये, मगर या तो फिर ऐसी पॉलिथीन हो मजबूत हो जो मतलब ये ख़त्म होने के बाद वो चालू कर दे, मगर वो इतनी मजबूत नहीं है, कपड़े की जो चल रही है आजकल वो इतनी मजबूत नहीं है, इसलिए हमें यही ज़्यादा सक्सेसफुल है, इसलिए इसको यूज करना पसंद करते हैं। दुकानदार हमें थैले रखने शुरू कर दिए हैं ताकि जुर्माने की बचत हमसे बचा जाए, और बाकी ये बनाने पुरानी फैक्ट्री बंद कराएं, जिससे जहाँ से बनती हैं या जहाँ होलसेल में बिकती हैं उनसे बंद कराएं, हमें छोटे दुकानदार पकड़ के क्या फायदा, ना हुआ होगी ना दुकानदार लाएगा। हमारा ये कहना है या तो पहले फैक्ट्री बंद हो या फिर दुकानें बंद हो, तो रिटेल में ठेले कोई नहीं बेचेगा, ना मिलेंगे आपको। अभी ये माल भी आ रहे हैं उधर से, उनको भी छापा मार रहा हूँ, गरीब आदमियों के लिए जो 100-200 रुपये कमाते हैं उसको जबरदस्ती जुर्माना डाल देते हैं, तो गरीब आदमी काय में देखो बताओ, हर ग्राहक तो मांग रहा थैली, क्या करा जाए। तो सर कपड़े की थैली जो है वो भी तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप उसको क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं? हम तो करते हैं, हम भी कर रहे हैं इस्तेमाल, लेकिन जब ये सब लोग ना करें तो फिर हम भी नहीं कर पाएंगे, हम इस टाइप कपड़े की थैली कर रहे हैं इस्तेमाल। महंगी तो पड़ती है लेकिन इससे फ़ायदा बहुत, एकदम फट जाती गल जाती है। असल ना दुकानदार के ऊपर दिक्कत है सबसे बड़ी बात, पहली बात तो पन्नियों का कोई एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि ये जो कपड़े के बैग चले हैं, तो कपड़े के बैग से जो है सारा सामान छनता है, जैसे ये है बात दिखे कितनी हल्की क्वालिटी है, ठीक है, हम इसमें मैदा वगैरह कोई चीज़ देते हैं तो सब ये जो है इसमें से निकलता है, तो इसलिए सबसे पहले तो जो जुर्माना है वो दुकानदार के लिए एक जुर्मी है, और दुकानदार भी क्या करें ये बताएं आप, गवर्नमेंट को चाहिए इसका कोई ना कोई एटीट्यूड निकालें, और जो थैलियाँ जो है इसमें चाहे मतलब एक हमें सही क्वालिटी में और कम रेट में चीज़ दें, जिससे हमें जो है आराम से ग्राहक को देने में भी सुविधा हो। तो सबसे बड़ी समस्या जो है ये हमने जानी यहाँ पे व्यापारियों से मिलकर कि अगर ये थैले वो लेते भी हैं तो इनकी बेकार क्वालिटी की वजह से या उसमें जो आर पार चीज़ें निकल जाती हैं उस वजह से वो इनका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं।
तो जरूरत है एक ऐसे ऑल्टरनेट को ढूंढने की। इसके बारे में हम जो इससे संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर हम इसके लिए और क्या कर सकते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। सिंगल यूज प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो कि रोजमर्रा के जीवन में आदमी को परेशान कर रहा है, ये प्रदूषण फैला रहा है, नालियों को चोक कर रहा है और इसमें होने वाला केमिकल आपके द्वारा जो सामान खरीदा जाता है उसमें मिक्स होता है। प्राय देखा जा रहा है कि लोग गर्म तरल पदार्थ भी यथा आपका चाय, दूध और दही, इस तरीके की चीजें भी सिंगल यूज प्लास्टिक में परचेज कर रहे हैं, विक्रेता बेच रहे हैं, ग्राहक ले जा रहे हैं। ये चीजें बहुत ही घातक हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में शासन ने, चाहे वो भारत सरकार है चाहे हमारा उत्तराखंड सरकार है, इनका जो प्रदूषण विभाग है उसके स्तर से पहल की गई है, कई तरीके के प्रतिबंध लगाए गए हैं। पूरी तरीके से राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया है। अलग अलग जो नगर निगम है, निकाय है, उनके स्तर से बैन किया गया। आपके काशीपुर में भी सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन, वितरण और प्रयोग तीनों वर्जित है, पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। और प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर उत्पादक को 5 लाख रुपए, वितरक को 2 लाख रुपए और जो ट्रांसपोर्टर है उसको 2 लाख रुपए और वितरक को 1 लाख रुपए। साथ ही जो प्रयोग कर रहा है आम नागरिक उसको 100 रुपए पर पॉलिथीन सिंगल यूज प्लास्टिक जुर्माना का प्रावधान किया गया। आपके चैनल के माध्यम से मैं इस शहर के जागरूक नागरिकों को ये निवेदन करूंगा कि कदापि स्वहित में, इस नगर निगम के हित में, अपने बच्चों के हित में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।